नमस्कार, आज हम इस वीडियो में देखेंगे होलसेल के रिटर्न बिल कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मोर बटन पर क्लिक करना है, कर्सर होलसेल पर लेके जाना है। आपको रिटर्न के पास में यहाँ पर आपको प्लस साइन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। यहाँ से आप न्यू होलसेल रिटर्न बिल क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर आपको फार्मेसी का नाम लिखना है, बिल की डेट लिखनी है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम लिखना है। प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर बैच सिलेक्ट कर देनी है, आपको क्वांटिटी लिखनी है। यहाँ पर फ्री अमाउंट में कुछ दिया था तो यहाँ पर वो फ्री अमाउंट फ्री प्रोडक्ट लिखनी है। यहाँ पर स्कीम अमाउंट लिखनी है, उसके बाद यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज में यहाँ पर GST परसेंटेज लिख के बाद एड बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको पेमेंट मोड कौन सा रखना है वो पेमेंट मोड सिलेक्ट करना है। नीचे आप देख सकते हो इनवॉइस ब्रेकडाउन है यहाँ पर ब्लू लाइन में, तो उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बिल की अमाउंट दिख जाएगी और यहाँ पर जो नेट अमाउंट है वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पर आप कुछ नोट्स लिखना चाहते हो तो यहाँ पर नोट लिख सकते हो, यहाँ पर डिलीवरी नोट्स भी है। उसके बाद आपको ये ऑप्शन सेव बटन का ऑप्शन है, उसके पास में डाउन एरो की है, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेव एंड प्रिंट का, अदरवाइज आप यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक कर सकते हो। ये आपका इनवॉइस क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने होलसेल के सेल रिटर्न बिल क्रिएट कर सकते हो। थैंक यू।